नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मंगलवार के दिन चुपचाप फेंक देना, यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आप गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बंद हो चुका है, और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वो भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो दोस्तों केवल एक मंगलवार के दिन 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके आप 5 काली मिर्च के दाने का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस व्यक्ति का नाम समाज के कामयाब और सफल लोगों की लिस्ट में हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाए कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो, परंतु आज की जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजें भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं। इसकी वजह से तो कई वजहें हैं, सबसे बड़ी वजह है तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, आपका मंगल ग्रह अच्छा ना हो, आपके जीवन में आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके ऊपर ऐसी आ गई हो जिसके पश्चात आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो उस गरीबी की वजह से। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और केवल मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, ना केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि मंगलवार के दिन 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने के पश्चात आपकी कोई मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। शायद ये बात आपको ना पता हो, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में यदि काली मिर्च का प्रयोग ना किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है, और हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म ने मंगलवार का दिन हनुमान जी को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनका संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, खास तौर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी और जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही यदि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो हम आपको 5 काली मिर्च के दाने के वहां उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया तो मान के चलिए जींस जॉब की तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जॉब के लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी। दोस्तों, यह उपाय कीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया था जिसका इलाज कराकर थक चुके थे, वो बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। बस आपको 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय करने हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सही मुहूर्त पर किए गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी की से आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत लिख दीजिए
हनुमान जी महाराज की जय जय, बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आपके लिए हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वो धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुबह सुबह उठना है, नहाना धोना है, लाल कपड़े करने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग, 3 कपूर। फिर से हम रिपीट कर दें, रहे हैं दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर है। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस लाल पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए। अब अपनी तिजोरी में लाइए और दक्षिण दिशा में रख दीजिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थी उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यह उपाय एक मंगलवार करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों शायद यह बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिए, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर काला जादू, काली विद्या बंधन, तंत्र शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वो एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगी। यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है, घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। अब हर दीपक को जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। यह उपाय एक मंगलवार कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जॉब प्राप्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है। एक उपाय कर लीजिए, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। यह उपाय आपको कैसे करना है देखिए, वह आसान सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च दान दीजिएगा। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? ओम हनुमते नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 हनुमान जी का पीएम नंबर है। अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। ये जो आप डिब्बे ले गए हैं जिसमें आपने काली मिर्च भरी है, हनुमान जी के बाएं चरण से छुआना है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट लेग है। अपनी पूजा घर पर लाकर के रख देना है। अब जॉब के इंटरव्यू के लिए, जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस दिव्य से एक काली मिर्च निकालिएगा। घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख दीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। यह उपाय आप कर लीजिए, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो बाधाएं हट जाएंगी
और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब लग जाएगी। प्राचीन काल के समय का है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, बजरंग बलि की जाए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नति करता है। मान के चलिए यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तीन मंगलवार यदि आपने कर लिया, आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाएगा। तीन मंगलवार सूर्यास्त के पश्चात आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा, काले कपड़े पर रखना, आपको 51 काली मिर्च के रखना है, ऊपर एक रुपया का सिक्का इस काले कपड़े की बना लीजिए, काली पोटली और इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय थी, मंगलवार लगातार कर लीजिए। हाँ, तीन मंगलवार का मतलब है 3 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, आपको उससे फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ